फाइनली जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो है कक्षा दसवीं यानी टेंथ का जो स्क्रूटनी रिजल्ट जो है आपका डिक्लेयर कर दिया गया यानी जारी कर दिया गया, जिसका इंतजार जो है लगभग सभी छात्र का था। जो भी छात्र जो है स्क्रूटनी के लिए जो अप्लाई किए थे और अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार करें, उन सभी छात्र के लिए जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। चलिए पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक बताऊंगा और साथ ही साथ यह भी बताऊंगा स्क्रूटनी का रिजल्ट आपको कैसे देखना है। तो सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक बने रहेगा जरूर। यहाँ पर देखिए बिहार बोर्ड जो है टेंथ स्क्रूटनी रिजल्ट 2023 आपका जो है डिक्लेयर हो चुका है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बीएससीबी ने अभी मैट्रिक स्क्रूटनी रिजल्ट जो है जारी करने जा रहा है और यह रिजल्ट आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा, यहां पर देखिए result.biharboardonline.com व biharbsb.net के माध्यम से जो है आसानी से जो है सभी छात्र जो है स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है आप लोग देख पाओगे। तो अब आई होप आपको समझ आ चुका है आखिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या जानकारी दी गई है। अब सभी छात्र जो है दो दो वेबसाइट बताया गया result.biharboardonline.com biharbsb.net के माध्यम से सभी छात्र जो है स्क्रूटनी का रिजल्ट आप लोग देख सकते हो। तो स्क्रूटनी का रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले चले गूगल में, ठीक है। गूगल में आने के बाद आपको सर्च कर लेना बिहार बीएसवी, है ना, बिहार बीएसवी नेट जो बताया गया था ऑफिशियल वेबसाइट, आपको क्या करना है गूगल में ना सर्च करना बिहार बीएसवी। अब जैसे आप लोग बिहार बीएसवी आप लोग टाइप करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहां पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने यहां पर देख लीजिए मैट्रिक स्क्रूटनी रिजल्ट आपका जारी हुआ, इस वाले थंबनेल में क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा और यहां पर पूरी जानकारी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहां पर दी गई है, तो आपको सारी जानकारी एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा, ओके। उसके बाद यहां पर आपके सामने यहां पर दिख रहा है कक्षा 12वीं वाले स्टूडेंट, यहां से जो है स्क्रूटनी का रिजल्ट चेक कर लीजिएगा और मैट्रिक वाले स्टूडेंट के लिए यहां पर लिंक दिया गया है, यहां पर देखिए लिंक दिया गया। हम चलिए आपको जूम कर देता हूं और सभी स्टूडेंट एकदम ध्यानपूर्वक बने रहिएगा, सबका जो है स्क्रूटनी का रिजल्ट चेक होने जा रहा है। अब देखो आप यहां पर जैसे आप लोग आओगे तो 12th वाले छात्र के लिए यहां पर देखिए स्क्रूटनी रिजल्ट चेक करने के लिए तीन तीन लिंक दिया गया। चलिए हम आपको 12th वाले को सिंपली क्या करना है, लिंक उनमें क्लिक करोगे यहां पर देखिए सेम यहां पर आपको दिख जाएगा इंटरमीडिएट का चेक करने के लिए आपको एप्लीकेशन आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के लॉगिन कीजिएगा, आपके सामने स्क्रूटनी रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और मैट्रिक वाले छात्र को भी सेम प्रोसेस है, यहां पर आपको लिंक में क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरह एक नया पेज ओपन होगा और यहां पर आपको दिख जाएगा मैट्रिक का जो एनुअल एग्जाम हुआ था और जिसके लिए सभी छात्र जो जो बच्चे अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट है उनके लिए जो स्क्रूटनी का रिजल्ट चेक करने के लिए सेम प्रोसेस है, एप्लीकेशन आईडी देना और रजिस्ट्रेशन नंबर बनाना है, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना। तो चलिए हम यहां पर पूरी जानकारी भर लेते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हो एप्लीकेशन आईडी मांगा गया था, हमने एप्लीकेशन आईडी भर दिया और रजिस्ट्रेशन नंबर भर दिए। उसके बाद देखिए अगर आपके पास ध्यान दीजिएगा अगर आप लोग जो है ना अगर आप लोग आईडी अगर आप लोग भूल चुके हो तो यहां पर आप लोग फॉरगॉट पे क्लिक करके आप लोग जो है एप्लीकेशन आईडी रिकवर कर सकते हो। और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ये कहां पर मिलेगा, तो जो आपके पास एडमिट कार्ड है वहां पर आपको ये मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, या आप लोग जब अप्लाई किए थे ऑनलाइन स्कूटनी के लिए उसमें भी आपको जो है जो स्लिप मिला होगा वहां पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अब देखिए हमने सारी जानकारी जो है यहां पर हमने भर दिया, उसके बाद देखिए यहां पर लॉगिन का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने देख लीजिए पूरा का पूरा जो स्क्रूटनी रिजल्ट का जो रिपोर्ट है जो है आपके सामने आ चुका है। चलिए मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूं, सिर्फ लॉगिन करोगे आपके सामने इस तरह का पूरा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा और यहां पर आप लोग देख लीजिए किस दिन आपका रिजल्ट अपडेट हुआ, यहां पर पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगा, एप्लीकेशन आईडी और ये सारी जानकारी आपका इंफॉर्मेशन है। और यहां पर आप लोग देख सकते हो आपका नंबर चेंज हुआ, अगर आपका नंबर चेंज नहीं हुआ तो होगा तो यहाँ नो चेंज, अगर चेंज हुआ होगा तो यहां पर आपको चेंज दिखेगा। यहां पर देखिए पहले 40 नंबर था मैथ में, अब 49 हो चुका है, साइंस 28 था, 56 हो चुका है, सोशल साइंस में 21 था, देखिए 35 हो चुका है। यानी स्कूटनी के बाद जो है आप सभी छात्र का जो है लगभग छात्र का नंबर बढ़ चुका है और इसी प्रकार सभी छात्र को जो है स्कूटनी परीक्षा का जो है रिजल्ट आपको चेक कर लेना। देखिए पूरा और यहां पर आप लोग क्लिक करके जो है यहां पर आप लोग देख लीजिए यहां पर आप लोग क्लिक करके जो है आप लोग प्रिंट भी कर सकते हैं। आई होप आप सभी छात्र को समझ आ चुका है कैसे स्कूटनी का रिजल्ट देखना है। तो जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं स्कूटनी परीक्षा का परिणाम देखने के लिए आपको चले जाना गूगल में, ठीक है, और सर्च कर लेना बिहार बीएसवी। तो जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट आइए गूगल में और सर्च कीजिए बिहार बीएसवी और फटाफट जो है सभी छात्र मात्र और मात्र 2 सेकंड में आप लोग जो है स्क्रूटनी का रिजल्ट चेक कर पाओगे, क्योंकि अभी भी जो है कक्षा 10वीं का जो स्क्रूटनी रिजल्ट देखने का जो लिंक जो है ये आपका एक्टिव कर दिया गया। तो जल्दी जल्दी आप लोग चेक कीजिए। अगर आप लोग चाहते हो स्क्रूटनी परीक्षा का परिणाम आपका हम लाइव चेक करें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है एप्लीकेशन आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम आपका रिजल्ट चेक करके आपको कमेंट में रिप्लाई दे देंगे। और साथ ही साथ आप लोग चैनल को जो जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जो भी दोस्त यार स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किए उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा। और सभी स्टूडेंट आइए स्क्रूटनी का रिजल्ट चेक करने के लिए, सर्च कीजिए बिहार बीएसवी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।